हेलो गाइज, मेरा नाम विभू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया के मिड वेरिएंट एम्बिशन वेरिएंट के बारे में। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इस गाड़ी का टोरंटो रेड कलर यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये इस गाड़ी का मिड वेरिएंट है मैनुअल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कार के बारे में, इंटीरियर से, एक्सटीरियर से, और करेंगे इस गाड़ी का फुल डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू। फ्रंट से यहाँ पर गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की मिलती है। ये एम्बिशन वेरिएंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा विद क्रोम ट्रीटमेंट। फ्रंट ग्रिल जो है वो आपको सभी वेरिएंट के अंदर सेम ही मिलती है, जो कि आपकी स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल यहाँ पर मिलती है। बाकी हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहीं पर आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें हेलोजन हेडलैम्प विद यहाँ पर क्यूब शेप में आपको DRL मिल जाती है गाड़ी के अंदर। नीचे की तरफ आपको इस गाड़ी के अंदर फोग लैम्प भी यहाँ पर दिए गए हैं मिड वेरिएंट में, जो कि बेसिक वेरिएंट के अंदर नहीं आते हैं। बाकी ओवरऑल लुक गाड़ी की यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मिलती है यहाँ पर। आप चलते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। कार का 1.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन। एमिशन वेरिएंट से आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1 लीटर TSI, एक 1.5 TSI, दोनों ही टर्बोचार्ज इंजन है। बस फर्क इतना है, 1.5 जो है वो 4 सिलेंडर इंजन है और 1 लीटर जो है वो आपका 3 सिलेंडर इंजन है। बाकी पावर्स में भी यहाँ पर फर्क आ जाएगा, तो 1 लीटर आपका 115 BHP निकालता है 178 टॉर्क के साथ। अगर बात करें 1.5 की तो वो आपका 150 BHP निकालता है 250 NM के टॉर्क के साथ। बाकी इंजन यहाँ पर देख सकते हैं 1 लीटर का काफ़ी बड़े साइज का इंजन है, लगता नहीं है कि 1 लीटर का इंजन है, देखने पर लगता है कि कोई बड़ा इंजन है, कम से कम 1500 CC या 1600 CC का। बाकी बोनट के नीचे यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह नहीं है, ये चीज़ आप शोरूम से वैसे लगवा सकते हैं। ये लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 रुपये कॉस्ट करेगा, आप यहाँ पर एडिशनली मंगवा सकते हैं। तो ये थे इस गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन। आप चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मिलती है एम्बिशन वेरिएंट के अंदर। बाकी ओवरऑल लुक देख सकते हैं। डाइचर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं, और डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं। टायर जो है वो आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, 205/55R16 की यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिल जाएगी। और फेंडर पर यहाँ पर स्कोडा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। साइड के ORM जो है वो आपके लॉक अनलॉक पे फोल्ड भी आपके हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको LED दिया गया है। बाकी मिड वेरिएंट से आपको कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो एम्बिशन वेरिएंट में ये बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन और कीलेस एंट्री का ऑप्शन दे देते हैं ये लोग, पर कुशाक के अंदर ऐसा नहीं है। बाकी साइड से हम देख सकते हैं बी पिलर आपका ब्लैक टेप में मिल जाएगा, रूफ पे शार्क फिन एंटीना इसमें आ जाएगा। और ओवरऑल लुक देख सकते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स आपके आ जाते हैं, और ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की गाड़ी है। बाकी बैक से बात करें तो बैक से भी यहाँ पर गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं। जो टेल लाइट है वो आपको LED टेल लाइट से यहाँ पर मिलती है स्कोडा की यहाँ पर बैजिंग। और एम्बिशन के अंदर आपको रिवर्स कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 521 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। और जो सीटें जो है वो आपकी 60-40 स्प्लिट मिल जाती है, जो कि बेसिक वेरिएंट के अंदर नहीं आती है, बेसिक में आपकी बेंच फोल्डेबल आती है। बाकी बैक ग्लास के अंदर आपको डिफोगर मिल जाएगा इसके अंदर, हाइस्ट माउंट लाइट मिल जाएगी, स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं इस गाड़ी के। अब चलते हैं इंटीरियर्स में। तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके का ड्यूअल टोन में आपको मिलता है ब्लैक एंड बीच कलर के अंदर। और यहाँ पर स्टेयरिंग देख सकते हैं, जो कि आपको लेदर कवर के साथ मिलता है। स्टेयरिंग में आपको माउंटेन कंट्रोल भी मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपके MID के कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। और ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बीच में आपको छोटी डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे देख सकते हैं ऑडियो वगैरह, टेलीफोनिक व्हीकल, आपको काफ़ी फीचर, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डाटा वगैरह। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर RPM मीटर मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर, यहाँ से टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। और स्टेयरिंग जो है वो आपका यहाँ से देख सकते हैं टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल आपको इसके अंदर मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअल हेडलाइट इसके अंदर आती है। और यह है इसके राउंड शेप में आपके AC वेंट्स। डोर हैंडल जो है वो आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिल जाते हैं इसके अंदर। चारों पावर विंडो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं विंडो कुछ इस तरीके के मिलते हैं यहाँ पर। विंडो के आर्मरेस्ट पे यहाँ पर फैब्रिक दिया गया है, टॉप वेरिएंट में सिर्फ लेदर आता है। नीचे की तरफ बोट होल्डर का स्पेस आपको मिल जाएगा, स्पीकर चार आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, प्लस चार ट्विटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इस गाड़ी का 8 inches की टच स्क्रीन एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ विद वायर्ड। नीचे की तरफ आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएगी चार्जिंग के लिए, वायरलेस चार्जिंग सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलती है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट बटन भी आ जाता है। बाकी यह है इस गाड़ी का फ्रंट आर्मरेस्ट, जो कि आपका एडजस्टेबल आपको मिलता है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैनुअल आपको ऑटो डिम IR में मिल जाएगा। रूफ में यहाँ पर व्हाइट कलर की रीडिंग लाइट, प्लस यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है एम्बिशन वेरिएंट में। स्टेबल यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ड्राइवर साइड पे भी मिलता है, को पैसेंजर पे भी, और पीछे की तरफ भी। और यह है इस गाड़ी का कूल ग्लव बॉक्स, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट भी दी गई है, जो कि मैं आपको अभी ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ।
बाकी यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग डैशबोर्ड के ऊपर दी गई है पूरे में, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्पेस वगैरह है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको गाड़ी के अंदर पांचों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं रियर में, यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी के यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। रियर डोर्स के अंदर सिर्फ पावर विंडो का स्विच है और आपको ट्विटर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंटीरियर था इस गाड़ी का। बाकी स्पेस वगैरह गाड़ी के अंदर बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको कोई भी स्कोडा की सलाविया या कुशाक परचेस करनी हो तो दिए गए नंबर पर डिस्प्ले पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको बेस्ट से बेस्ट डील वहां से मिल जाएगी, जल्द से जल्द अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं और फाइनेंस के भी सभी ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी गाड़ी की बुकिंग करा सकते हैं और गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं जल्द से जल्द। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।